अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को सुनने वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे मोहम्मद अली सोसाइटी का बहुत ही तेज़ी से मशहूर होने वाला GS शब्बीर पुलाव। इसके साथ रेसिपी स्टार्ट करेंगे। रेसिपी पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे 1.25 किलो चावल का पुलाव बना रहे हैं। तो 1.25 किलो मैंने बासमती चावल लिए हैं। इनको मैंने 2 से 3 मरतबा धो के साफ कर लिया है। फिर साफ पानी डाल के मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इनको भिगो के रखूंगी। चावल हमने भिगने के लिए रखती हैं। यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट करेंगे। 1 कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये मेरे पास 1.25 किलो चिकन है, ठीक है। 1.25 किलो चावल है, 1.25 किलो मैंने चिकन लिया है। चिकन की बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी रखवा लीजिएगा, इससे पुलाव का लुक जो है वो बड़ा अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि लहसुन अदरक के साथ चिकन को भून लूँगी कि लहसुन अदरक की भुनाई भी हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये वाला पॉइंट जो है वो शब्बीर पकवान सेंटर वाले नहीं करते हैं। हम घर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भून लेंगे ताकि चिकन की ही ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, इसकी भुनाई हो चुकी है। चूल्हा मैं बंद कर दूंगी। अब हम चीज़ें डालेंगे। 1 मीडियम साइज़ की कच्ची प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून कुटावा सौंफ है। 1 टेबल स्पून कुटावा धनिया है। बहुत ज़्यादा नहीं कूटना है, बस एक दफ़ा आप थोड़ा सा इसको क्रश कर लें कि जो धनिया साबित है वो 2 टुकड़े हो जाए। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ। तकरीबन 15 हरी मिर्चें लेके मैंने इनको कूट लिया है। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप कुटी हुई हरी मिर्चें मज़ीद बढ़ा सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। साबित मसाले इसमें जाएंगे। दालचीनी स्टिक्स हैं तकरीबन 3 से 4 अदद। 20 साबित काली मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है। 6 से 7 हम हरी इलायची लेंगे। 4 जो है वो काली वाली इलायची होती है, 4 से 5। 7 से 8 हम लौंग लेंगे। इसके अलावा इसमें जो बड़ी बेहतरीन खुशबू आती है वो आती है बादियान के फूल की। तकरीबन 5 अदद हम इसमें डालेंगे बादियान के फूल, इसी से अच्छा फ्लेवर निकलेगा। इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबल स्पून डालूंगी नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें 10 से 12 मैं इसमें आलू बुखारे डालूंगी। इसके अलावा इसमें हम पानी डालेंगे। तकरीबन 3 गिलास भर के मैं इसमें डालूंगी पानी के। 2 अदद मैं इसमें डालूंगी तेज़ पत्ते। इसके अलावा जो इसमें एक ख़ास चीज़ जाएगी जिसकी वजह से ये पुलाव मज़ीद मज़ेदार हो जाता है, चिकन क्यूब, ठीक है। वैसे तो इसमें चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब मैंने ये पुलाव टेस्ट किया तो मेरे मुंह में जो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आया था वो चाइनीज़ सॉल्ट का ही आया था, जिसकी वजह से आपको ये पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। आपको बिल्कुल वैसा ही पुलाव चाहिए तो आप इसमें 1 टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट का भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स किया है, बॉयल आने दिया है। तो ये देखें, जब ये वाला बॉयल आ जाएगा तो इसके बाद आँच को मैं थोड़ा सा हल्का कर दूँगी और इसको हम कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने चिकन को पकाना है। चिकन को ज़्यादा नहीं गलाना है वरना चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा। हमने तकरीबन सिर्फ 5 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखें, 5 मिनट हो चुके हैं और इसका बस हम ढक्कन हटा देंगे, स्टीम पहले निकल जाने दें, ठीक है जी। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें पानी तकरीबन 2 गिलास जितना पानी अभी है। और चिकन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सिर्फ हल्का सा गला है, सिर्फ हल्का सा। तकरीबन 80% अभी ये कच्चा है। हमने बहुत ज़्यादा चिकन को नहीं गलाना होता, बहुत नाजुक सा चिकन होता है, बहुत जल्दी गल जाता है, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। अब इसमें हरा मसाला डालेंगे। तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको हमने गोल काट लिया है, तो ये टमाटर चले जाएँगे। इसके अलावा इसमें आधी गड्डी हरा धनिया जाएगा, आधी गड्डी पुदीना जाएगा और तकरीबन 20 से 25 इसमें पतली वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ। वैसे तो जो पकवान सेंटर वाले थे उन्होंने छोटी छोटी हरी मिर्चें जो मलीर वाली होती हैं वो वाली डाली हुई थी, मुझे वो नहीं मिली तो मैं ये लंबी वाली पतली वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ। 1 कप मैं इसमें डालूँगी दही का। 1.5 टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गर्म मसाला जाएगा, ठीक है। वैसे तो उनका अपना कोई गर्म मसाला था लेकिन हम अपना डालेंगे तो चला जाएगा ये पिसा हुआ गरम मसाला। 3 मीडियम साइज़ के आलू जिनको मैंने बॉयल कर लिया है। थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये याद रखिएगा, ये अच्छा खासा स्पाइसी पुलाव होता है। मैंने तो फिर भी थोड़ा सा हाथ रोक लिया है। अगर आपको भी बिल्कुल वैसा स्पाइसी चाहिए तो आप पिसी हुई हरी मिर्चें मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ये देखें, आप थोड़ा सा इसमें बॉयल आ गया है, इसको मैं कवर कर दूँगी और मज़ीद हम 5 मिनट पकाएँगे, सिर्फ 5 मिनट पकाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएँगे वरना चिकन हमारा जो है ना वो ज़्यादा गल जाएगा। चिकन जब तक हो रहा है हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं।
ब्राउन कीवी प्याज है मेरे पास तकरीबन 1 कप, 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने उनको ब्राउन कर लिया था, और एक मुट्ठी जो है वो हरा धनिया है, तकरीबन 4 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने काट लिया है। ठीक है, हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब जिन्होंने ये पुलाव खाया होगा उनको पता चल गया होगा कि मैं ये क्या करने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें आखिर में जब पुलाव सर्व होता है तो उसके ऊपर डाल के दिया जाता है। ये बस तैयार हो गया, इसको हम साइड पे रखेंगे। चिकन को देख लेते हैं। चिकन को तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रखा था, बस इसको इतना ही पकाना था। पानी देखें, तकरीबन 1.5 गिलास जितना इसमें पानी है, और ये बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, इसमें पानी मौजूद होना चाहिए, तकरीबन 1.5 से 2 गिलास जितना। कोरमा तैयार हो गया है, कोरमे को साइड पे रखेंगे। यहाँ पे पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था चावलों के लिए। पानी में अच्छा बॉयल आ चुका है। पानी में मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी वो सब कुछ स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही होंगी, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और ये जो चावल हमने भिगो के रखे थे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ये चावल डाल देंगे। और अब हमने चावलों को बॉयल करना है, इतना बॉयल करना है कि चावल 75% गल जाए, 2 कनी कच्चे होने तक गल जाए। तो ये देखें, ये चावल हो चुके हैं, इसमें अभी 2 कनी कच्चापन है, 75% तक ये चावल गले हुए हैं, और इसमें से आधे चावल हम निकाल लें। अगर आप मुकम्मल तौर पे चावल बॉयल करना सीखना चाहते हैं देगी बिरयानी के लिए, या फिर 2 स्टेप में हम चावल क्यों बॉयल करते हैं, तो ऊपर आई लिंक में एक रेसिपी आ रही होगी, आप वो देखें, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। अब बाकी के चावलों को हम इतना बॉयल करेंगे कि ये 1 कन्नी कच्चे रह जाए, 85% तक गल जाएँ। तो ये देखें, ये चावल 85% तक गल चुके हैं। अब इन सारे चावलों को हम छान लेंगे। तो ये देखें, कोरमे में हम सबसे पहले वो चावल डालेंगे जो 75% गले हुए थे। देखा, मैंने 75% चावल इस वजह से पकाए थे क्योंकि नीचे पानी है, ये चावल इस पानी में गलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने वो चावल डालने हैं जो 1 कनी कच्चे हैं, 85% कच्चे हैं। अब ऊपर से मैं 1 कप गर्म पानी डालूंगी। ये वही पानी था जिसमें हमने चावल बॉयल किए थे। पानी देखें, अच्छा खासा पानी है। आंच को हमने तेज़ रखना है, शुरू के 5 मिनट हमने तेज़ आंच पे इसको दम लगाना है, क्योंकि ये पानी है, इस पानी ने ड्राई होना है। आंच में आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, अच्छी खासी तेज़ आंच है, तेज़ आंच पे हमने 5 मिनट का दम लगाना है। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने हल्की आंच करके मज़ीद 10 मिनट का दम लगाना है, टोटल 15 मिनट का दम लगेगा। तो ये देखें, चावलों को दम आए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये जो ब्राउन कीवी प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें थी, ये मैं पतीले में ही डाल दूँगी सारा का सारा। शबीर पुलाव वाले तो क्या करते हैं, जब आपको दे रहे होते हैं प्लेट में तो ऊपर से थोड़ा सा डाल के देते हैं, मैं यहीं पर एक साथ डाल रही हूँ। अगर आपने ये नहीं करना तो आप चाहें जब ट्रे में पुलाव निकालेंगी तो ऊपर से थोड़ा सा डाल सकती हैं। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। ऊपर से मैं कवर कर दूँगी और 2 मिनट का मैं मज़ीद इसको दम लगाऊँगी, और इसके बाद बस ढक्कन हटाएँगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारा मज़ेदार GS शब्बीर पुलाव खुशबुओं के साथ तैयार है, बेहतरीन खुशबू आ रही है। जब खुशबू आएगी ना, उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितने परसेंट कामयाब हुए हैं बिल्कुल वैसा पुलाव बनाने में। ये देखें, शक्ल देखें इसकी, बेहतरीन इसकी शक्ल आई है। खुशबू की तो मैं क्या ही बात करूँ, वो जब आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वैसी खुशबू है कि नहीं है। अब हमने इसको अपने थाल में निकालना है, और निकालने का तरीका मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ कि देगी पुलाव या बिरयानी को आप किस तरह से निकालें। कभी भी पूरे चावलों को मिक्स ना करें, वरना फिर उसका लुक जो है ना वो ख़राब हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आएगा। ये देखें, तो आखिर में बस यही कि GS शब्बीर पुलाव फुल मसालेदार है, चटपटा है, हर लिहाज से बेहतरीन है। ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या जाता है। अस्सलाम वालेकुम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे कुरंगी क्रॉसिंग की बहुत ही मशहूर बिरयानी, बल्कि आप इसको पुलाव बिरयानी कह सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा ये मज़ेदार पुलाव बिरयानी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हम 1 किलो की बिरयानी बना रहे हैं, तो मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और 1 किलो बछड़े का गोश्त लिया है, और ये मेरे पास मिक्स बोटी है। मैंने हड्डी वाला गोश्त भी रखवाया है और बग़ैर हड्डी वाला भी रखवाया है। हड्डियों से ये होता है कि यखनी बहुत ही बेहतरीन तैयार होती है, तो यहाँ पे हम यखनी तैयार कर रहे हैं और गोश्त को हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून भर के ताज़ा कुटावा लहसुन अदरक हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे साबित मसाले, जिससे यखनी जो है ना वो बेहतरीन खुशबूदार तैयार होगी। तो 3 तेज़पत्ते हैं मेरे पास, 20 से 25 साबित काली मिर्चें हैं, 12 से 15 लौंग हैं, 4 अदद साबित काली वाली इलायची है, और दालचीनी की स्टिक्स हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, 3-4 हैं, आप 2 बड़े भी ले सकते हैं, 5 बादियान के फूल हैं। इसके अलावा 7
अदद हम लेंगे हरी इलायची, ठीक है, ये साबित मसाले जाएंगे। इसके अलावा गोश्त गलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी और मैं इसमें तकरीबन 5 गिलास डालूंगी पानी के, ठीक है, भर भर के हम 5 गिलास पानी के डालेंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक गोश्त हमारा बेहतरीन गल नहीं जाता है। अब ये देखें जी, गोश्त हमारा बेहतरीन गल चुका है। मैंने क्या किया, गोश्त अलग कर लिया है, यखनी अलग कर ली है, गोश्त जो है यहाँ पे पतीले में डालेंगे और गोश्त में जो मैंने साबित मसाले डाले थे वो मैंने निकाले नहीं है, वो मैंने रहने दिए हैं। गोश्त में आपको दिखा देती हूँ, माशाल्लाह से बेहतरीन गल चुका है। इसके अलावा इसमें जाएगा हरा मसाला जो कराची की बिरयानी में लाजमी जाता है। आधी गड्डी पुदीना है, आधी गड्डी मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, और इसके अलावा मेरे पास पतली वाली हरी मिर्चें हैं, ये बिरयानी में काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो ये डालेंगे। 12 से 15 मैं इसमें डालूंगी। इसके अलावा टमाटर हैं तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने गोल काट लिया है, तो ये हरा मसाला जाएगा। इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, अगर तेज़ हैं, मेरी वाली बहुत ज़्यादा तेज़ है तो मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, अगर कम तेज़ हैं तो आप 3-4 टेबल स्पून भी इसमें डाल सकते हैं। ये बिरयानी अच्छी खासी स्पाइसी होती है तो आपने मिर्चों में कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ जो 1 टेबल स्पून के बराबर बनता है, और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैं कुटा हुआ सौंफ इसमें डालूंगी, इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला, जिससे इसकी बहुत ही बेहतरीन खुशबू होने वाली है। 1/2 टीस्पून इसमें जावित्री पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा जायफल पाउडर, इसके अलावा 1/2 कप मैं इसमें जो है वो फ्राई की हुई अनियन डालूंगी, जो 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी इसको मैंने लेके ब्राउन कर लिया, तो ये 1/2 कप इसमें फ्राइड अनियन जाएगी। और जी ये आलू बुखारे, ये तकरीबन 10 से 12 अदद हम इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून फ़िलहाल मैं नमक डाल रही हूँ, आगे ज़रूरत पड़ी तो और हम इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ, आप इसमें चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे पास 3 बॉयल किए हुए आलू हैं, लेकिन थोड़ी सी कसर इनमें बाकी है क्योंकि अभी थोड़ी सी और मज़ीद इसमें कुकिंग होगी तो पूरे फुल डन नहीं है। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून पुलाव मसाला, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, शान का, नेशनल का, जो भी आपके पास मौजूद हो, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून पुलाव मसाला जाएगा। 1/2 कप हम इसमें डालेंगे ऑयल, और ये जो यखनी हमने अलग करके रखी थी ये हम इसमें सारी की सारी डाल देंगे, ठीक है। तकरीबन 5 गिलास हमने पानी का डाला था तो ये यखनी भी हमारे पास तकरीबन 4.5 गिलास जितनी बनी है। और अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, इसमें हम बॉयल आने देंगे। तो ये देखें बड़ा अच्छा इसमें बॉयल आ गया है। अब क्या करूँगी, मैं इसको कवर कर दूँगी आँच को लो मीडियम करके। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे कि टमाटर हल्के से गल जाएं। अब यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और टमाटर काफ़ी हद तक यहाँ पे गल चुके हैं। आलू में जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी पूरी हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/2 कप डाल रही हूँ दही। इसके अलावा यहाँ पे देगी बिरयानी बन रही है तो देग वाले अपनी बिरयानी में खुशबू लाने के लिए ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर डालते हैं, तो हम भी डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये सिर्फ खुशबू के लिए होता है, जो देग वाली बिरयानी में आपको खुशबू अच्छी लगती है वो इसी से आती है, बाकी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। है तो डालें, नहीं है कोई बात नहीं, ना डालें। अब यहाँ पर पानी तकरीबन 2.5 गिलास जितना मौजूद है, क्योंकि ये पुलाव बिरयानी है, पुलाव बिरयानी में यखनी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर मैं बॉयल किए हुए चावल डाल रही हूँ जो 75% बॉयल हुए हुए हैं, जो 2 कनी कच्चे हैं। बासमती चावल लिए 1 किलो, 15 मिनट के लिए मैंने उनको भिगो के रखा था और उसके बाद मैंने उनको बॉयल कर लिया। आधे चावलों को मैंने 75% तक बॉयल कर लिया और सबसे पहले हमने वो वाले चावल डाले हैं और उसके बाद जो बाकी के चावल थे उनको 85% तक गला लिया, 1 कनी कच्चा होने तक गला लिया, और ऊपर से हम 85% गले हुए चावल डालेंगे, ठीक है। देगी बिरयानी के लिए चावल मैं किस तरह से बॉयल करती हूँ, अगर आपने डिटेल में देखना है, सीखना है, तो ऊपर मैं जिद्दा बिरयानी का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसको कवर कर लिया है, आँच को तेज़ रखेंगे, 4 मिनट तक हम तेज़ आँच पे इसको पकाएंगे। तो ये देखें जी, 4 मिनट तक हमने इसको तेज़ आँच पे दम पे रखा है और यहाँ पे जितना भी पानी था, यखनी था, उसको हमने ड्राई करना था, ठीक है। यखनी सारी ड्राई हो चुकी है, आँच को बिल्कुल हल्का कर दिया है मैंने। अब मैं डालूंगी फूड कलर। फूड कलर हमने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर हम पहले डाल देते, नीचे अच्छी खासी यखनी थी, सारे चावल हमारे कलरफुल हो जाते जो हमें नहीं चाहिए थे, ठीक है। 1/2 कप मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा हम पानी का छिड़काव करेंगे, तकरीबन 1/4 कप जितना पानी का हमने छिड़काव किया है। आँच को हल्का रखा है, इसको कवर करेंगे, मज़ीद 12 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे।
तो ये देखें जी, इसको दम पे रखे हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें धुआंदार हमारी कोरंगी क्रॉसिंग की बिरयानी जो है ना, वो खुशबुओं के साथ तैयार है बेहतरीन। इस वक्त माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। और ये चावल देखें बहुत ही बेहतरीन खिले खिले से बने हैं। ये कोरंगी क्रॉसिंग की बहुत ही मशहूर बिरयानी आपके सामने है, ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आई है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे शाह फैसल कॉलोनी की बहुत ही मज़ेदार बिस्मिल्ला बिरयानी। मेरे पास फरमाइश भी आई थी कि शाह फैसल कॉलोनी की बिरयानी बनाना सिखाएं। वैसे तो ये पुलाव बिरयानी है, लेकिन जो भी है बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार किस्म की ये बिरयानी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगी ये मज़ेदार बिरयानी। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बासमती चावल लिए हैं 1 किलो। इसमें डालेंगे पानी और इसको हमने भिगो के रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसके अलावा मेरे पास 1 कप ब्राउन कीवी प्याज है, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने इनको फ्राई कर लिया। वैसे अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्रिस्पी प्याज हम किस तरह से फ्राई कर सकते हैं, तो आप मेरी मीरपुर खास की बिरयानी देख सकते हैं। हमने आधी प्याज डाली है और आधी मैंने रोक ली है, वो मैं एंड में डालूंगी। 1 टेबल स्पून ताज़ा कुटावा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। इसके अलावा मेरे पास 1 किलो बीफ है। वैसे तो ये बिरयानी चिकन में भी बहुत मज़ेदार थी, लेकिन मैं बीफ में बना रही हूँ। और ये मेरे पास मिक्स बोटी है, हड्डी वाला भी मैंने लिया है, बगैर हड्डी वाला भी मैंने रखा है। हड्डियों से ज़रा यखनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत हड्डी वाला गोश्त भी इसमें रखवाती हूँ। साबित मसाले जो इसमें जाएंगे, 3 बड़ी स्टिक्स जो हैं वो दालचीनी के हैं, 25 साबित काली मिर्चें हैं, 4 बादियान के फूल हैं, 5 साबित काली इलायची है, हरी इलायची तकरीबन 6 से 7 जाएंगी। इसके अलावा लौंग है तकरीबन 10 से 12 अदद। ठीक है, ये मसाले मैं डाल चुकी हूँ, तो इनको हम हटा देंगे। यही वाले मसाले हमने इसमें डाले हैं। इसके अलावा 1/2 कप मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ठीक है, गोश्त है इसमें थोड़ा बहुत फैट है, तो इस वजह से हम 1/2 कप इसमें ऑयल डालेंगे। अगर चिकन होता तो हम इसमें 1 कप ऑयल डालते। टमाटर हैं तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के। और इसके अलावा आलू बुखारे हैं तकरीबन 10 से 12 अदद मैं इसमें ड्राई आलू बुखारे डाल रही हूँ। इसके अलावा ये कुटी हुई हरी मिर्चें हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून। 20 हरी मिर्चें लेके, जो मोटी वाली होती हैं वो वाली मैंने कुटी है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर। ठीक है, आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, 1 पूरा पैकेट। मैं 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डाल रही हूँ। इसके अलावा ये धनिया सौंफ का पाउडर है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैं डालूंगी। 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया लिया, 1/2 टेबल स्पून सौंफ लिया, इन दोनों को मैंने मोटा मोटा कूट लिया, तो टोटल 1.5 टेबल स्पून सौंफ और धनिया का पाउडर डाला। और 1/2 टेबल स्पून मैं साबित सफ़ेद जीरा डाल रही हूँ। और ये तेज़ पत्ते हैं, ये छोटे छोटे हैं, तो 4-5 डाल रही हूँ, आप 3 बड़े भी डाल सकते हैं। इसके अलावा गोश्त गलाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 5 ग्लास। ठीक है, बीफ है, थोड़ा सा गलने में टाइम लेगा, तो 5 ग्लास पानी का डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे, चूल्हा मैंने ऑन किया है और इसमें हम अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो ये देखें इसमें बड़ा ज़बरदस्त सा बॉयल आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि आँच को हल्का करना है और इसको मैं कवर कर दूंगी। हल्की आँच पे मैं इसी तरीके से यखनी तैयार होने दूंगी। हल्की आँच पे जो गोश्त गलेगा, यखनी तैयार होगी, उसका बड़ा बेहतरीन टेस्ट आता है। पकवान सेंटर वाले भी ऐसे ही करते हैं। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये देखें गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है। ढक्कन इसका हम हटाएंगे और यहाँ पे मैंने बीच में चेक भी किया था, गोश्त हमारा बेहतरीन गल चुका है। अच्छी मज़ेदार यखनी वाले अगर चावल आप लोगों को चाहिए तो आप इसको हल्की आंच पे पकने दिया करें, इससे अच्छा टेस्ट निकलता है। गोश्त हमारा माशाल्लाह से बेहतरीन गल चुका है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। 1/2 कप मैं इसमें डालूंगी दही। इसके अलावा इसमें हरा मसाला जाएगा, तकरीबन 7 से 8 साबित हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ। आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी ही मैं इसमें डालूंगी पुदीना। इसके अलावा ये जो ब्राउन कीवी प्याज हमने स्टार्टिंग में बचाई थी, ये अब इस पॉइंट पे डालेंगे। ठीक है जी, ये सारी की सारी हम डालेंगे। इसके अलावा 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर और 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर भी इसमें डालना है। मैं आप लोगों को जायफल पाउडर दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन इसमें डालना है। 1/2 टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, चीज़ें स्क्रीन पे भी मैं लिख दूंगी मैंने यहाँ पे क्या क्या डाला है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब पानी यहाँ पे तकरीबन 1.5 ग्लास जितना यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये पानी कम है, ये पुलाव बिरयानी है, तो इसमें मैं मज़ीद 1.5 ग्लास पानी का डालूंगी, तो टोटल ये 3 ग्लास पानी यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है, इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम नमक चेक कर लेंगे, हमने 1 टेबल स्पून पहले डाला था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेक कर लूँगी। ये बिरयानी जब मैंने टेस्ट की तो मुझे हल्का सा इसमें जो सॉल्ट था वो निकला हुआ महसूस हुआ, थोड़ी सी नमकीन बिरयानी थी तो इस वजह से मैं 1/2 टेबल स्पून मज़ीद नमक डाल रही हूँ, बाकी आप अपने घर के हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आंच मैं इसकी हल्की कर दूंगी और इसको दूसरे चूल्हे पे मैं हल्की आंच पे रख दूंगी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे यखनी को, मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था, यखनी हमारी गर्म होनी चाहिए जब आप इसमें चावल डालें। मैं इसमें 2 कनी कच्चे चावल डाल रही हूँ जो 75% गले हुए थे, ठीक है। अगर यहाँ पर यखनी ठंडी होगी, आप चावल डालेंगे, स्टीम देर से बनेगी और आपके चावलों का जो कुकिंग टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि चावल हमारे नरम हो गए, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ऊपर से मैंने वो चावल डाले हैं जो 85% गले हुए थे, 1 कनी कच्चे थे, ठीक है। इन चावलों को हमने फैला लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको पानी दिखा रही हूँ, इसमें पानी है, आंच को मैंने तेज रखा हुआ है, तेज आंच पे हमने इस पानी को ड्राई करना है। इसको मैं कवर कर दूंगी, 4 मिनट तक तेज आंच पे पकाएंगे जब तक पानी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता है, बिल्कुल वही हिसाब है जो आप पुलाव में करते हैं। तो ये देखें तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, पानी हमारा ड्राई हो गया, लेकिन हल्का सा पानी है, नमी होनी चाहिए वरना चावल आपके लग जाएंगे, ठीक है। पुलाव में हम क्या करते हैं कि चावल कच्चे डालते हैं, इसमें हमने थोड़े से चावल पका के डाले हैं, हिसाब वही होगा। ऊपर से मैंने गर्म ऑयल डाला है 1/3 कप और ये थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी फूड कलर। दोबारा से मैं इसको कवर कर दूंगी, आंच को बिल्कुल हल्का कर दूंगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट का हम मज़ीद दम लगाएंगे। तो ये देखें जी तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये जी ज़बरदस्त दुहादार हमारी शाह फैसल कॉलोनी की बिस्मिल्ला बिरयानी तैयार है। चावल हमारे माशाल्लाह से बेहतरीन गल चुके हैं और बस अब हमने बिल्कुल हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट रुक के उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है, क्योंकि गरम गरम चावल हैं वो टूट जाते हैं अगर आप एकदम से मिक्स करेंगे। ये मैं आपको हल्के हाथ से मिक्स करके दिखा भी रही हूँ ताकि जो सीखने वाले हैं उनको बात समझ आ जाए कि ये चावल हमने पूरे मिक्स कर लेने हैं, इसमें आपको वाइट चावल इतने नज़र नहीं आते, क्योंकि जो पकवान सेंटर वाले हैं बिस्मिल्लाह वाले वो चावलों को पूरा मिक्स कर देते हैं। ज़रूर ट्राई करना है, उधर जाके भी ट्राई करना है, घर पे बना के भी ट्राई करना है। मेथड इसका बिरयानी जैसा है, टेस्ट आपको बिल्कुल पुलाव जैसा बनेगा, ज़रूर बनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ कराची का एक और बहुत ही मज़ेदार पुलाव शेयर करूंगी। है तो ये हैदराबादी सिंधी पुलाव स्टाइल, लेकिन बनता ये कराची में है। तो पहचान गए होंगे आप लोग कि मैं किस पुलाव की बात कर रही हूँ। नॉर्थ कराची का बहुत ही मज़ेदार गौसिया बीफ पुलाव जो हैदराबादी सिंधी स्टाइल में बनता है। इसके लिए आपको रेसिपी देखनी पड़ेगी, रेसिपी समझ आए, पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसिया बीफ पुलाव के लिए सबसे पहले हम गोश्त को उबाल लेंगे। 1 किलो मेरे पास बछड़े का गोश्त है और ये मिक्स बोटी है, बगैर हड्डी का गोश्त भी है, हड्डियाँ भी मैंने इसमें डलवाई हैं और 1 अदद नली भी है। आप हमेशा चावलों के लिए हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया करें, इससे यखनी बहुत बेहतरीन बनती है और चावलों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। 1 किलो हमारे पास बछिया का गोश्त आ गया और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 4 गिलास पानी, ठीक है। 4 गिलास हम इसमें पानी का डालेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है कि मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी जब तक गोश्त हमारा बड़ा अच्छा गल नहीं जाता है। तो गोश्त को मैं अच्छा सा गला लूँगी। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, रेसिपी यहाँ पे आपने छोड़ के नहीं जानी है वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। 1.5 टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ अदरक मैं इसमें डाल रही हूँ, अदरक और लहसुन। 3/4 कप मैं इसमें डालूँगी ऑयल, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने समझना है कि गौसिया पुलाव वाले यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं करते जो मैं अभी करने जा रही हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा लहसुन को भून लूँगी और जब लहसुन पे अच्छा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम बॉईल किया हुआ गोश्त डालेंगे जो हमने कुकर में गलाया था। बड़ा बेहतरीन सा गोश्त गल चुका है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए गोश्त को लहसुन अदरक के साथ भून लूँगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट गौसिया पुलाव वाले नहीं करते हैं, मैं घर में बना रही हूँ तो ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है जो मैंने किया है। चूल्हा हम बंद कर देंगे, बाकी की चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। 1 कप मैं इसमें डालूँगी दही। इसके अलावा साबित मसाले हैं, 5 बड़ी वाली इलायची है, 1.5 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है, 3 दालचीनी के टुकड़े थोड़े बड़े वाले और तकरीबन 12 लौंग हैं और 25 अदद काली मिर्चें हैं। 3 मैं इसमें डालूंगी तेज़ पत्ते। इसके अलावा हरा मसाला जो इसमें जाएगा,
बारीक कटा हुआ पुदीना है एक पूरी गड्डी, और बारीक कटा हुआ धनिया है ये भी पूरी एक गड्डी। 25 मेरे पास हरी मिर्चें हैं जो छोटी पतली वाली मलीर वाली होती हैं वो मैंने लिए हैं, और तकरीबन 10 से 12 हम आलू बुखारे इसमें डालेंगे। ठीक है, ये सारा हरा मसाला जाएगा। इसके अलावा 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने गोल काट लिया है, तो ये टमाटर चले जाएंगे। इसके अलावा ये कुटी हुई हरी मिर्चें हैं तकरीबन 15 अदद, ये छोटी वाली हरी मिर्चें जो मैंने अभी दिखाई थी ये वही हरी मिर्चें हैं, ये काफ़ी तेज़ होती हैं और इसी से पुलाव हमारा अच्छा स्पाइसी बनेगा। बाकी आप मिर्चें अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 1.5 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी होममेड गरम मसाला मेरा पिसा हुआ, और 1/2 टीस्पून जावित्री पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा जायफल पाउडर। इसके अलावा धनिया और सौंफ, हरी इलायची का पाउडर है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने क्या चीज़ कितनी कितनी ली है वो मैं स्क्रीन पे लिख दूँगी, अब वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये सौंफ, धनिया, हरी इलायची का पाउडर चला जाएगा, और अब मैं इसमें डालूँगी ये जो यखनी जिसमें हमने गोश्त को बॉयल किया था, ये सारी की सारी यखनी इसमें चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद चूल्हा हम दोबारा से ऑन कर लेंगे, थोड़ा सा हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें चिकन क्यूब डाल रही हूँ, वैसे तो इसमें चाइनीज़ सॉल्ट जाता है, मैं उसकी जगह चिकन क्यूब डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं नमक डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, मैं 1/2 टेबल स्पून दिखा रही हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक डाला था, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जब अच्छा बॉयल आ जाएगा पानी में तो अब हमने क्या करना है, इसको कवर करना है, आँच को हल्का कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम पकने देंगे। अब ये देखें इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाएंगे लेकिन थोड़ा सा एहतियात से हटाना है, स्टीम है ये आपके मुंह पे या हाथ पे आ सकती है तो थोड़ा सा एहतियात करनी है। तो ये देखें टमाटर हमारे अच्छे गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे डालते हैं गोश्त बॉयल किया हुआ गौसिया पुलाव वाले, हमने लहसुन अदरक के साथ भुना था, वो लोग इस तरह से नहीं करते, सारी चीज़ें डालते हैं और फिर यहाँ पर गोश्त को ऐड करते हैं, बस ये चीज़ समझने वाली है। यहाँ पर मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। अब चावल का समझ लेते हैं, 1 किलो मेरे पास बासमती चावल हैं जिनको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने भिगो के रख दिया था और फिर धो के साफ कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे ये हमारे भीगे हुए और धुले हुए बासमती चावल 1 किलो हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे यखनी हमारी थोड़ी सी कम है, इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी जाएगा, 2 गिलास मज़ीद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, 4 गिलास हमने पहले डाला था, 2 गिलास मैं अब डाल रही हूँ। तो वैसे अगर कप की मेजरमेंट लें तो 1 किलो चावल में आपने 7 से 8 कप जो चाय वाला कप होता है उस कप की मेजरमेंट करके पानी डालना है, तकरीबन 7 से 8 कप। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें हमने अच्छा सा बॉयल आने देना है। अब यहाँ पे आंच को तेज़ करके ये जो पानी है इसको हमने ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे चावल वरना टूट जाएंगे। तो ये देखें पानी हमारा तकरीबन ड्राई हो चुका है, 1/2 कप के बराबर इसमें पानी मौजूद है लेकिन तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कवर कर दूँगी और कवर करके मीडियम आंच पे हम तकरीबन 5 मिनट का दम लगाएंगे। तो ये देखें जी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और इसका ढक्कन हटाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये इसमें जितना भी पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है, आँच को मैंने हल्का कर लिया है। अब मैं फूड कलर डालूंगी, अगर हम पहले डाल देते तो नीचे पानी था, नीचे के सारे चावल कलरफुल हो जाते जो कि हमें नहीं चाहिए थे। ठीक है, ये ब्राउन की हुई प्याज है, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके मैंने उनको ब्राउन कर लिया था, तो आधी अभी यहाँ पे डालेंगे और आधी मैंने प्याज रोक ली है, वो हम आखिर में डालेंगे। दोबारा से मैं इसको कवर कर दूंगी हल्की आँच पर, तकरीबन 15 मिनट का हम दम लगाएंगे। तो ये देखें जी 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमारा मज़ेदार गौसिया बीफ पुलाव तैयार है, वो भी हैदराबादी सिंधी स्टाइल में। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आई है, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने देगों का ढक्कन खोला है, एक देग का नहीं बहुत सारे देगों का ढक्कन खोला है, इतनी मज़ेदार खुशबूएँ आई हैं माशाल्लाह से। और ये देखें चावलों को कभी भी एकदम से मिक्स ना किया करें, स्टीम पहले निकल जाने दिया करें उसके बाद मिक्स किया करें, इससे क्या होता है कि चावल कभी भी आपके टूटेंगे नहीं। तो ये मज़ेदार हमारा गौसिया पुलाव, ऊपर से मैं थोड़ी सी ब्राउन की हुई प्याज जो है ये डालूंगी जो गौसिया पुलाव वाले डाल के देते हैं। तो ये ज़बरदस्त पुलाव, अगर आप वहाँ जाके नहीं खा सकते तो मैं ये कहूँगी कि आपने घर पे ज़रूर बनाना।